हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल में। तो हम आ चुके हैं एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से मटर की अचार। तो बने रहिए वीडियो के साथ, आइए हम आगे के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो ये मटर को हमने छील लिया है, ये फ्रेश हरे मटर है। इस टाइम मटर का सीजन चल रहा है, तो आप इस टाइम मटर का अचार बना लो और स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें पैन में पहले से ही गर्म पानी करने के लिए रख दिया था, पानी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें सारे मटर को डाल देंगे और मटर को ब्लांच करना है। हमें बस 2 मिनट के लिए मटर को ब्लांच करना है, ज़्यादा देर तक नहीं। तो ये देख सकते हैं, मटर को एक बार चला लेंगे हम। तो आइए, अब हमारा मटर एकदम ब्लांच हो चुका है, पानी में ऊपर तैरने लगा, तब समझ जाइए कि मटर ब्लांच हो चुका है। अब आइए हम गैस को ऑफ कर लेते हैं और इसको तुरंत हम छान लेंगे, छन्नी में छान लेंगे। और छानने के बाद तुरंत हम इसको ठंडे पानी में डाल देंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और कलर भी बरकरार रहे। अब आइए हम पानी में से इसको छान लेते हैं। तो ये देख सकते हैं, ठंडे पानी से बाहर कर लिए हैं। अब इसको एक सूती कपड़ा डाल के और उस पर फैला लेंगे, इस तरीके से फैला लेंगे और मटर को अच्छे से सुखा लेंगे। आप चाहे तो पंखे की हवा में 10 से 15 मिनट के लिए रख सकते हैं, या धूप है तो धूप में भी रख सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से पोंछ के सुखा लीजिए। ध्यान रहे, मटर में पानी नहीं होना चाहिए, मटर एकदम सूख जाना चाहिए। तो ये देख सकते हैं, मटर हमारा एकदम अच्छे से सूख चुका है। अब हम इसको किसी बर्तन में फिर निकाल लेते हैं वापस। तो देख सकते हैं, मटर को हमने निकाल लिया है। अब चलिए हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं इसकी। तो हम एक पैन ले लेंगे और पैन में ये 2 चम्मच साबुत काली मिर्च और 2 चम्मच साबुत जीरा, 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच मेथी, 2 चम्मच अजवाइन और 2 चम्मच साबुत धनिया। अब हम गैस को जला लेते हैं। गैस को जलाने के बाद हमें इसको रोस्ट करना है, ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है हमें, बस थोड़े सी इसका कच्चापन दूर हो जाए और थोड़ा खुशबू आने लगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से भुनना है। तो ये अब हमारा कलर भी देख सकते हैं, चेंज हो चुका है। अब इसमें हम 2 चम्मच काली वाली सरसों डालेंगे, अगर आपके पास पीली वाली हो तो वो भी, और इसको 20 सेकेंड के लिए हम भुनेंगे। तो 20 सेकेंड के बाद हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे कटोरी में। अब इसका दरदरा पाउडर तैयार कर लेंगे हम। एक मिक्सर का जार ले लेंगे और उसमें दरदरा, तो ये देख सकते हैं हमने दरदरा पाउडर तैयार कर लिया है। हम गैस पे पैन को वापस रख लेते हैं और उसमें डालेंगे सरसों का तेल। सरसों के तेल हमें गरम करना है, ज़्यादातर तक नहीं गरम करना है, बस इसमें धुआं उठने तक गरम करना है। तो ये देख सकते हैं, धुआं आने स्टार्ट हो गए हैं। अब गैस को कर लेंगे ऑफ। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी 1 चुटकी हींग और कलौजी को डाल देंगे 1 चम्मच। अगर आपको कलौजी नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब आइए हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो ये मटर को वापस हमने बाउल में ले लिया है। अब इसमें हम सारे मसाले को ऐड कर लेंगे। ये जो हमने दरदरा पाउडर तैयार किया था उसको डाल देंगे और 2 चम्मच हल्दी डालेंगे इसमें, 2 चम्मच लाल मिर्च, इससे कलर भी अच्छी आती है और तीखी भी ज़्यादा नहीं होगी, और 2 चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक भी डालेंगे, और इसमें जो हमने गरम किया हुआ तेल रखा था उसको डालेंगे, और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिलाना है। तो अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। यह अचार
बहुत ही कम समय में बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है गैस। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और इसको धूप दिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा। मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।